राज कुंद्रा के मामले में बहुत ही घिनौनी बातें सामने आ रही हैं। लगातार कई एक्ट्रेस सामने आई और उन्होंने राज कुंद्रा से संबंधित कई ऐसे बातें कहीं जो बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही घोर शर्मनाक है। परंतु दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के बचाव में लगी हुई है। बचाव कर रही है क्योंकि राज कुंद्रा उनके हस्बैंड हैं और अपने पति के बचाव के लिए वो लगातार कई दिनों से एक्टिव हैं। लेकिन कल उनका इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी आया जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं जो आप खुद जा कर के वहाँ देख सकते हैं। परंतु क्या इंसानियत मर गई है? शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं राज कुंद्रा, वो एक अलग विषय है। परंतु राज कुंद्रा गलत काम कर रहे थे, उनके घर से करीब करीब 80 के आसपास फोन वीडियोज पकड़े गए और राज कुंद्रा जिस प्रकार से पॉर्न इंडस्ट्रीज में अपने रैकेट को फैलाए हुए थे और राज कुंद्रा के बारे में कोई भी बात अब छुपी हुई नहीं है कि उन्होंने किस किस लोगों से कैसे कैसे व्हाट्सएप चैट किए, कैसे कैसे फ़ोन कॉल्स किए और रंगे हाथों कई चीज़ें जो गलत था इस समाज के लिए, इस देश के लिए, वो सारी चीज़ें पकड़ाई। इतना सब होने के बावजूद भी शिल्पा शेट्टी अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के बचाव में इन गलत चीज़ों को छोड़ करके, गलत चीज़ों का ही साथ देते हुए वो लगी हुई हैं। परंतु इस प्रकार के घिनौने लोग समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इन लोगों ने एक तरफ जहां शिल्पा शेट्टी खुद को एक मोटिवेशनल योगा टीचर, जो भी आप कह सकते हैं कि अपने आप को एक अलग दिखाने की कोशिश लगातार पिछले कुछ वर्षों से करती रही हैं, और दूसरी तरफ उनके घर में ही उनके हस्बैंड गलत चीज़ों का बढ़ावा दे रहे हैं, गलत चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसने अपनी कंपनी एक बना रखी थी, कई उसमें लोग काम कर रहे थे, ऐप्स पे काम चल रहा था, ऐप्स के अंदर पहले वीडियो शूट हो रहा था, उसके बाद ऐप्स के अंदर उसको डाला जा रहा था, अपलोड किया जा रहा था, उसके बाद कस्टमर तक पहुँचाया जा रहा था। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी घर के अंदर, तो क्या पत्नी को नहीं पता था कि राज कुंद्रा क्या कर रहे हैं? एक तरफ आप अपने आप को दिखाते हो कि आप अच्छी वुमेन हो, दूसरी तरफ आपके हस्बैंड गलत काम कर रहे हैं, पति के बचाव में अब आप खुद आ गई हैं, और लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका भी साथ इसमें था। शिल्पा शेट्टी भी, उनको सब कुछ जानकारी होते हुए भी वो अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के गलत कामों में साथ दे रही थी, क्योंकि राज कुंद्रा उसके हस्बैंड है और हस्बैंड अगर लगातार पिछले कई सालों से लगातार ऐसे काम करेगा तो ये इन दोनों का बराबर ही दोष है, उतना ही, और इन दोनों को ही ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इन दोनों को जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों लोगों ने मिलकर के समाज के अंदर गलत काम करने का, तो इन दोनों का बराबर ही दोष है और समाज के अंदर ऐसे दोषियों को रहने का कोई हक नहीं है। इनके ऊपर तो बहुत ही एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि ऐसे लोग मजबूरी में अगर कोई बॉलीवुड में काम खोजने जा रहा है, बॉलीवुड के अंदर अगर कोई कुछ अपने आप को कुछ बनाना चाहता है, स्ट्रगल कर रहा है, कैरियर देख रहा है, तो ऐसे गंदे लोग जो कि हम सुनते थे कि केवल ऐसे लोग वहाँ पे आते हैं और नए नए एक्टर एक्ट्रेस को गलत कामों में ढकेलते हैं, और ये हम केवल सुनते थे, लेकिन अब हमने सच देखा कि ये चीज़ें कौन कर रहा है, तो राज कुंद्रा और उसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी। तो इन दोनों, जो अभी शिल्पा शेट्टी अपने आप को खुद को बचाने में लगी हुई है, इसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और राज कुंद्रा तो अंदर जाना ही चाहिए लंबे समय के लिए। लेकिन देखना है कि 23 तारीख को आज उसका वो ख़त्म हो रहा है पैरोल, अब देखना है कि उसके आगे कोर्ट की क्या कार्रवाई होती है, पुलिस की क्या कार्रवाई होती है। जो भी अपडेट आएगा मैं दूंगा उसके ऊपर अपडेट।